वीआई करैक्टरिस्टिक्स के बाद हम ट्रिगरिंग या फिर टर्न ऑन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है टर्न ऑन मेथड्स ऑफ एससीआर, ठीक है। टर्न ऑन मेथड्स ऑफ एससीआर, ठीक है। तो एससीआर को टर्न ऑन करना, दैट मीन्स टर्न ऑन का मतलब क्या है, उसी को टर्न ऑन को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग, ट्रिगर करना, ट्रिगरिंग मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। टर्न ऑन मेथड्स को क्या बोलते हैं, हम ट्रिगरिंग मेथड बोल देते हैं। तो एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन से, कहाँ से, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से, कंडीशन नहीं बोलेंगे, मोड बोल देते हैं, ठीक है। तो एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कहाँ स्विच करना, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। तो एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में मूव करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग मेथड्स बोलते हैं, क्लियर हुआ। तो आप सबको पता ही होगा कि जब भी एससीआर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है तो एससीआर है वो ऑफ स्विच की तरह, ओपन सर्किट की तरह या फिर एक ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो एससीआर को ऑफ मोड से ऑन मोड में ले जाना, अनदर टर्म में क्या बोलेंगे उसी को, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कहाँ पर, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। तो एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ले जाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, टर्न ऑन मेथड्स बोलते हैं या फिर ट्रिगरिंग करते हैं। ट्रिगरिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रिगरिंग इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑफ एससीआर फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, क्लियर हुआ। तो एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में स्विचिंग करने का, मूव कराने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, टर्न ऑन मेथड्स। सभी को पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कोई भी एससीआर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, ऑफ स्विच की तरह। ऑफ स्विच को ही अनदर टर्म में हम क्या बोलते हैं, ओपन स्विच। ओपन स्विच क्यों कहलाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंडीशन में उससे होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल होता है या फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो जिस भी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, नेग्लिजिबल हो, उस सर्किट को हमेशा ऑफ सर्किट या फिर ओपन सर्किट बोलते हैं, क्लियर हो, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं, क्लियर हो, उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। तो एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से, दैट मीन्स ऑफ स्टेट से उसको कौन से स्टेट में ले जाना है, ऑन स्टेट। तो ऑफ स्टेट से उसको ऑन स्टेट में ले जाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग या फिर इसी को क्या बोलते हैं, हम टर्न ऑन मेथड बोल, क्लियर हुआ। तो फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में एससीआर किसकी तरह एक्ट करता है, ऑन स्विच की तरह। इसकी तरह एक्ट करेगा, ऑन स्विच की तरह, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम, क्लोज स्विच बोलेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, क्लियर हुआ। तो शॉर्ट सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, क्लियर हुआ। तो ये एक ही मतलब है। तो एससीआर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में स्विच करने का, ले जाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, टर्न ऑन प्रोसेस या फिर टर्न ऑन मेथड्स, या फिर अदर टर्म में हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रिगरिंग मेथड्स बोलते हैं, क्लियर हुआ। तो जब भी एससीआर है वो एससीआर ऑन स्टेट में कब कहलाएगा, जब उस एससीआर से फ्लो होने वाले एनोड करेंट की वैल्यू है वो क्या होगा, लार्जर। उस एससीआर में लार्जर वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करेंट का फ्लो होगा, तब वो एससीआर क्या कहलाएंगे, ऑन कंडीशन में कहलाएंगे, क्लियर हुआ। तो जब भी एससीआर है वो ऑन कंडीशन में रहेगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में, ऑन कंडीशन में क्या क्या होंगे, फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू है वो लार्जर रहेगा। दूसरी पॉइंट ये है, उस एससीआर के एनोड और कैथोड के बीच उस डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, वेरी स्मॉल, लो रहेगा। डिवाइस के इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आइडियल तो ज़ीरो होगा, बट प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल। तो ऑन कंडीशन में डिवाइस की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल होंगे,
ऑन कंडीशन में डिवाइस में फ्लो होने वाले एनोड करेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगा, लार्जर रहेगा। जब वो एससीआर है वो टर्न ऑन हो जाएंगे तो एससीआर के एनोड और कैथोड के बीच इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, अप्रॉक्स 1 to 1.5 volt। तो 1 to 1.5 volt के आसपास उसके एनोड और कैथोड के बीच आपको इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है वो मिलेंगे। क्लियर हुआ? सो देयर आर वेरियस मेथड्स टू टर्न ऑन द एससीआर और वेयर देयर आर मेनी ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ एससीआर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर, ठीक है, ऑफ एससीआर, ठीक है। तो एससीआर की ट्रिगरिंग के टाइप्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है आपका, सबसे पहला वाला ट्रिगरिंग हम देखेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, वोल्टेज ट्रिगरिंग। क्लियर हुआ? तो हमेशा ये याद रखना, एससीआर है वो ऑन स्विच की तरह सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में ही किरेंगे। क्लियर हुआ? जब तक हम उस एससीआर को फॉरवर्ड बायस्ड पोलैरिटी की वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो टर्न ऑन नहीं होगा। तो ये अब फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग हुआ। दूसरा ट्रिगरिंग जो मेथड्स हैं वो क्या है आपका, गेट ट्रिगरिंग, मोस्ट पॉपुलर ट्रिगरिंग मेथड्स है, सबसे ज़्यादा ईजी है, आसान है और क्या है, हाईली इफिशियंट है। तो दूसरा आपका ट्रिगरिंग है वो क्या है, गेट ट्रिगरिंग है। तीसरा आपका क्या है, डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग, क्या होता है सबके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग के बाद। अगला है आपका थर्मल ट्रिगरिंग या फिर टेम्परेचर ट्रिगरिंग, थर्मल या फिर इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, थर्मल या फिर इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, ठीक है, थर्मल ट्रिगरिंग या फिर टेम्परेचर ट्रिगरिंग। और अगला है वो आपका क्या है, लाइट ट्रिगरिंग, अगला क्या है आपका, लाइट ट्रिगरिंग। तो देयर आर 5 मेथड्स ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर। क्लियर हुआ? तो 5 ये मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, एक आपका 1 by 1 2-3 छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप भी बोर ना हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग, डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग, अगला है वो थर्मल, थर्मल या फिर उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, और लास्ट 5th नंबर का वो क्या है, लाइट ट्रिगरिंग। तो 5 मेथड्स हैं, इन 5 मेथड्स के थ्रू हम एससीआर को क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नाउ हम डिटेल डिस्कशन करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग के बाद। ध्यान हमेशा ये रखें कि एससीआर है वो टर्न ऑन तभी होगा जब वो एससीआर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस्ड जब तक आप नहीं करोगे, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में जब तक आप उसे कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो एससीआर है वो टर्न ऑन नहीं होंगे। तो मोर डिटेल हम स्टडी करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग के बारे में। क्लियर हुआ? कोई सा भी आप ट्रिगरिंग मेथड यूज़ करो, जब तक एससीआर को फॉरवर्ड बायस्ड आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो एससीआर है वो टर्न ऑन नहीं होगा। पहला है आपका क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, पहला क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। क्लियर हुआ? तो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मतलब क्या हुआ, अप्लाइड एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज के थ्रू हम एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से कहाँ ले जाते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट, ट्रिगर करना या फिर टर्न ऑन करना। तो ट्रिगर या फिर टर्न ऑन का मतलब ही होता है एससीआर को ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में ले जाना। तो एससीआर है वो ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में तभी जाएगा जब हम उस एससीआर के अक्रॉस एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे। तब जब तक आप एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे तब तक हम उस एससीआर को ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में नहीं ले जा सकते। क्लियर हुआ? तो ये है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में क्या होता है चलो हम देख लेते हैं, वैसे तो आपको सबको पता है लेकिन एक बार डील कर दूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा कि यही चीज़ है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग करके, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ बताया वही इसी में यूज़ होगा। क्लियर हुआ? जैसा कि आप सबको पता है या ऐसा होता है,
स्ट्रक्चर वाइज बताता हूँ, सिंबल को ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। आप सबको पता है कि SCR है वो फोर लेयर पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस होता है जो कंटिन्यूस पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अल्टरनेट अरेंज से बना होता है। पी टाइप लेयर से जो टर्मिनल लेते हैं उसको एनोड बोलते हैं, एन टाइप लेयर से जो टर्मिनल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, और ये इनर पी रीजन से जो टर्मिनल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, गेट। आप सबको पता ही होगा कि SCR बेसिकली थ्री टर्मिनल थ्री जंक्शन, दिस बिकम्स जंक्शन J1, दिस इज जंक्शन J2 एंड दिस इज जंक्शन J3, J1, J2, J3 थ्री जंक्शन एंड दिस इज थ्री टर्मिनल 1, 2, 3 एंड 4 लेयर। तो थ्री जंक्शन थ्री टर्मिनल एंड 4 लेयर पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज के थ्रू हम SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में मूव कराते हैं। क्लियर हुआ, मैंने बताया कि SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में तभी ले जाया जा सकता है जब तक हम उस SCR के अक्रॉस फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अप्लाई ना करें। क्लियर हुआ, तो आपको जैसे ही हम SCR के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से और SCR के कैथोड को बैटरी के निगेटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं, SCR है वो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में आ जाता है। हमने क्या बोला, इसकी एनोड को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से लगाया और इसकी कैथोड को बैटरी के निगेटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं, तो SCR कौन से बायस्ड मोड में आ जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। तो हमने फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज इसके एनोड और कैथोड के बीच कनेक्ट किए हैं, तो जैसे इसके एनोड और कैथोड के बीच एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये आपका SCR है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। क्लियर हुआ, अप्लाइड जो एनोड वोल्टेज है एनोड और कैथोड के बीच डिवाइस के अक्रॉस अपीयर होता है, वो अपीयर्ड जो वोल्टेज है वो जंक्शन J1 एंड जंक्शन J3 को क्या करता है, फॉरवर्ड बायस्ड है। और जंक्शन J2 को क्या करता है, रिवर्स बायस्ड। जंक्शन J2 है वो रिवर्स बायस्ड। आप सबको पता है एक्सटर्नल जो अप्लाइड जो वोल्टेज VA जो रहता है जंक्शन J2, ये अप्लाइड वोल्टेज इस डिवाइस के अक्रॉस अपीयर होगा, ये जो अपीयर वोल्टेज है J1 और J3 को क्या करता है, फॉरवर्ड बायस्ड करता है। क्लियर हुआ, बट मिडिल जंक्शन J2 क्या करता है, रिवर्स बायस्ड हो जाता है। अब जंक्शन J2 रिवर्स है ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, तो जंक्शन J2 रिवर्स होने के कारण क्या होता है, जंक्शन J2 के अक्रॉस एक डिप्लेशन लेयर है वो क्रिएट हो जाता है। वो जो डिप्लेशन लेयर है वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह, एक रजिस्टर की तरह या फिर एक बैरियर की तरह ट्रीट करता है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन से क्रॉस करने से अपोज करता है। तो J2 रिवर्स है, रिवर्स है इस कारण J2 के क्रॉस क्या डेवलप हुआ, डिप्लेशन लेयर डेवलप हुआ। वो जो डेवलप्ड जो डिप्लेशन लेयर है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन से क्रॉस करने से अपोज करता है, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उस जंक्शन J2 से होकर क्रॉस करता है। माइनॉरिटी की कॉन्सेंट्रेशन कम होने के कारण उसके कारण फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू है वो प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल, बट आइडियली क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने के कारण दैट मीन्स डिवाइस के एनोड से कैथोड के बीच फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल या फिर ऑलमोस्ट जीरो करंट होता है। इस कारण उस पर्टिकुलर कंडीशन में SCR को क्या बोलते हैं, ऑफ कंडीशन कंसिडर करते हैं या फिर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में उसको ऑफ स्विच ओपन स्विच की तरह हम ट्रीट करते हैं। क्लियर हुआ, यदि आपको SCR को ऑन करना है तो जंक्शन J2 पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर को कैसे भी करके क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव कर। अगर ये जंक्शन J2 का डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव हुआ
तो यहाँ से आसानी से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इस जंक्शन से इस डिवाइस के थ्रू क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि G1 अब फॉरवर्ड है, J3 भी फॉरवर्ड है, ये बीच का डिप्लेशन लेयर एक बैरियर है, जैसे ही बैरियर है वो रिमूव हो जाए पूरे चार्ज कैरियर है वो डिवाइस के थ्रू इंटरनली क्या कर सकता है, पास हो सकता है। क्लियर हुआ? पूरा डिवाइस है वो कि डिवाइस के थ्रू आपका चार्ज कैरियर है वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। क्लियर हुआ? तो जैसे हम अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज्ड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज है वो इस डिवाइस के जंक्शन J2 के अक्रॉस क्या होता है, अपीयर हो जाता है, और वो अपीयर्ड जो वोल्टेज है जंक्शन J2 को क्या करता है, मोर रिवर्स बायस्ड करता है। जंक्शन J2 को क्या करता है, मोर रिवर्स्ड करता है। जंक्शन J2 मोर रिवर्स होने के कारण J2 के अक्रॉस डेवलप्ड डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो और क्या होता है, और वाइडर, क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन में अप्लाइंग रिवर्स वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। क्लियर हुआ? तो आपने VA बढ़ाया, VA बढ़ाने से J2 मोर रिवर्स हुआ, J2 मोर रिवर्स होने से इसके क्रॉस आपका डिप्लेशन लेयर का विड्थ और वाइडर हुआ। VA की वैल्यू को हमने बढ़ाते गया एक समय ऐसे आया कि VA की वैल्यू एक सर्टेन क्रिटिकल वोल्टेज लेवल पर पहुंचा, जिससे जंक्शन J2 पर एवलांच ब्रेकडाउन की फिनोमेना है वो अपर हुआ। जैसी जंक्शन J2 पर एवलांच ब्रेकडाउन की फिनोमेना ऑकर होता है, जंक्शन J2 पर लार्ज अमाउंट में कैरियर है वो बिल्डअप हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा, रिप्रोड्यूस्ड कैरियर है वो जंक्शन J2 पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। जैसे जंक्शन J2 पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव होगा, यहाँ पर एक कंडक्शन पाथ क्रिएट हो जाएंगे और इस कंडक्शन पाथ के थ्रू लार्ज अमाउंट में कैरियर है वो पास होना शुरू हो जाएगा। तो जिस सर्टेन कंडीशन में इसमें लार्ज अमाउंट में कैरियर का पासिंग होना शुरू हो जाएगा, उसी समय इस डिवाइस से होकर एनोड से कैथोड के बीच लार्ज वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू। तो जिस सर्टेन सिचुएशन में इसके एनोड से कैथोड के बीच फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, लार्ज वैल्यू का करंट का फ्लो होने लगता है, उस सर्टेन कंडीशन में हम SCR को क्या करते हैं, ऑन कंसिडर करते हैं, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में SCR है वो ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने से इसका इंटरनल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, बहुत ही कम। तो इंटरनल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी कम होने से इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होता है, लार्जर। तो लार्जर वैल्यू का करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, जिस सर्टेन केस में लार्जर वैल्यू की इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाए, उस समय से SCR को हम क्या बोलते हैं, ऑन कंडीशन कंसिडर कर। तो डिवाइस के इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत कम होने के कारण डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। VA कर्व से क्लियर हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, हमने अप्लाइड फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज एनोड वोल्टेज VA लिया, इसके कारण डिवाइस में फ्लो होने वाला एनोड करेंट IA ले लिया। क्लियर हुआ? ये आपका ऐसा मैंने क्या बताया कि जब VA की वैल्यू 0 है, कोई भी बायसिंग वोल्टेज नहीं दिए, तो करंट का वैल्यू 0। जैसे हम सर्टेन पॉजिटिव वोल्टेज एनोड और कैथोड के बीच अप्लाई कर दिए, तो J1 J3 फॉरवर्ड बट J2 रिवर्स होने के कारण उसमें डिप्लेशन लेयर, जब तक डिप्लेशन लेयर रिमूव नहीं होगा तब तक उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं है। तो जैसे जैसे VA बढ़ाएंगे वैसे वैसे J2 मोर रिवर्स बायस, बट मोर रिवर्स बायस होंगे बट कैरियर क्रॉसिंग रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का ही कैरियर उस जंक्शन J2 से होकर पास होंगे। तो जंक्शन J2 से पासिंग कैरियर का रेट सेम होता है, इस कारण फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी ऑलमोस्ट क्या मिलता है हमें, सेम। तो अब VA की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, VA की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा
कि वी ए की वैल्यू एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर पहुंचेगा, वी आई की वैल्यू एक सर्टेन वोल्टेज पर, जिसे हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलेंगे, एक सर्टेन पॉजिटिव वोल्टेज पर पहुंचता है, जिससे जंक्शन जे टू पर एवलांच ब्रेकडाउन की फिनोमेना है वो ऑकर होता है। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन की फिनोमेना ऑकर होता है। एवलांच ब्रेकडाउन की फिनोमेना ऑकर होने के कारण क्या होता है, जंक्शन जे टू पर लार्ज अमाउंट में कैरियर बिल्डअप होता है, बिल्डअप कैरियर डिप्लेशन लेयर को रिमूव, डिप्लेशन लेयर रिमूव होने से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होने से उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का पासिंग रेट बढ़ता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की पासिंग रेट बढ़ने से उसमें लार्ज वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू। तो देखो ये ओ है, सपोज इस पॉइंट को दे देता हूँ मैं एम, इसको दे देता हूँ मैं एन, तो देखो ओ से एम तक है ये आपका ब्लॉकिंग मोड था, इस कंडीशन में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल था, ऑलमोस्ट वोल्टेज इंडिपेंडेंट था, मतलब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने से उसमें फ्लो होने वाले करंट में कोई लार्ज चेंजेस नहीं मिल रहा था। जब वी ए की वैल्यू है एक सर्टेन लार्ज क्रिटिकल वोल्टेज पर आया, वी बी एफ ओ पर आया, तो जे टू पे ब्रेक डाउन, जे टू पे ब्रेक डाउन हुआ तो कंडक्शन पाथ क्रिएट हुआ, कंडक्शन पाथ क्रिएट होने से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज। तो देखो स्वी कर्व है वो अचानक एम से कहाँ स्विच कर दिया, एन से, तो यहाँ तक का वोल्टेज था, अब वोल्टेज कितना हो गया, इतना क्यों हुआ, क्योंकि जब ये आपका ब्रेक डाउन हुआ तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गया, कंडक्टिविटी बढ़ने से डिवाइस की इंटरनल रजिस्टिव प्रॉपर्टी कम हुआ, इंटरनल रजिस्टिव प्रॉपर्टी कम होने के कारण डिवाइस के अक्रॉस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कम, तो वोल्टेज ड्रॉप कर बट कैरियर के कारण करंट का वैल्यू है वो मिनिमम से मैक्सिमम ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। तो जब फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ग्रेजुअल इंक्रीज होना शुरू हुआ तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एससीआर को हमने क्या बोला, ऑन कंडीशन। तो ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग था, ब्लॉकिंग मोड में एक किसकी तरह ऑफ स्विच की तरह, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए ऑफ स्विच। अब जब करंट आपका कर्व है, डिवाइस है, एम पॉइंट से एन पॉइंट में स्विच किया, दैट मीन्स ये आपका क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट, और फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में क्या है ये ऑन। तो देख सकते हैं कि डिवाइस है ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन मोड में कब आया, ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल एनोड वोल्टेज। तो जब हमने उसके ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हमने एनोड वोल्टेज को इंक्रीज किया, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा जब हमने एनोड वोल्टेज को इंक्रीज किया तभी वो डिवाइस है वो कंडक्शन मोड में गया, क्लियर हुआ। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइस है वो ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में कैसे जा रहा है, बाय इंक्रीजिंग अप्लाइड एनोड वोल्टेज ओवर ब्रेक ओवर वोल्टेज, क्लियर हुआ। तो अप्लाइड फॉरवर्ड जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू को ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा इंक्रीज करने से डिवाइस है वो ऑफ स्टेट से ऑन मोड में चला गया। सो डिवाइस इज टर्न ऑन ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड वोल्टेज के ही थ्रू आपका डिवाइस है ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में जा रहा है, इस कारण हम इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगर। ऑलमोस्ट ये सारा एक्सप्लेनेशन तो इसके वर्किंग में हम देख लिए, सेम रिपीटेड हो रहा 3-4 लेक्चर हो गए समझो, तो है वही चीज़, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज के ही थ्रू आपका एससीआर है वो ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में जा रहा है। अब जब वो कंडक्शन मोड में गया तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आइडियली जीरो, प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है, डिवाइस के अक्रॉस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बहुत ही कम हो जाता है, क्लियर हुआ। डिवाइस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, क्लियर हुआ। तो ये है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।